आपण पाहिली जी पडली ती सेफ्टी वॉलच या जे लोकांची घरं आहेत वरती त्यासाठी बांधली होती, पण ही कित्येक खूप वर्ष अगोदर बांधली होती. त्याला रिपेअर करायला मन्सूरपूर्वी रिपेअरिंग त्याला आवश्यक होती आणि ती रिपेअरिंग केली गेली पाहिजे होती. त्यामध्ये टीएमसी असेल. नमस्कार आदाब दोस्तो, महिला नमस्ते पब्लिक चैनल से. दोस्तों अभी आपको पता है कि चुनाव चालू है और चुनाव का माहौल जो है बहुत गर्म है. हर कैंडिडेट चाहता है कि हम ये चुनाव किसी तरीके से जीतना है, क्योंकि 2019 का जो चुनाव है ये बहुत 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 अहम रखता है ये चुनाव, क्योंकि ये चुनाव 2019 का पूरे हिंदुस्तान के जनता का इसके ऊपर ध्यान है और जितने कैंडिडेट है उनका भी बहुत कोशिश है कि मैं ये चुनाव जीतूं. जैसे कि आप मुमरा कौसा में, कल्याण में, डुंगेवली में जान सकते हो कि एनसीपी जो है ये कांग्रेस जो है एनसीपी को सपोर्ट करी है. लेकिन मुझे ये चुनाव को देख के जो है लग रहा है कि कांग्रेस के लोग जो है वो काफी हद तक एनसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी जो है वो खुद नहीं चाहती है कि ये चुनाव किसी तरीके से हम जीते, क्योंकि उनका कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कैंडिडेट उनका सामने नहीं आ रहा है और ना दिखाई दे रहा है. तो इससे कुछ साबित हो रहा है कि एनसीपी कुछ खुद नहीं चाहती है कि मैं ये चुनाव जीतूं. और उनके अपोजिट में श्रीकांत शिंदे साहब खड़े हैं जो शिवसेना से है, और वो जो है उनका एक जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बाजी जो है ये इलेक्शन की जो बाजी है ये श्रीकांत शिंदे मार लेंगे और काफी भारी वोटों से ये जो है अपनी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि इनके सामने कोई कैंडिडेट इस तरीके का नहीं है कि जिस तरीके से ये चुनाव लड़ सके या जीत सके. मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ रहूंगा, जब तक के लिए नमस्कार.